मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पोते और चंद्रमोहन के पुत्र सिद्धार्थ ने अपने निवास स्थान पर खबर तहलका की टीम से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पार्टी के मैनिफेस्टो रिलीज करने पर बात की और बताया कि ये मैनिफेस्टो हर वर्ग और उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैनिफेस्टो का विजन है युवाओं को उनका हक देना जिससे वो वंचित है, नशा मुक्ति और इस तरह और भी कई सवालों के जवाब उन्होंने हमारी टीम को दिए। देखिए पंचकुला से खबर तहलका के लिए तानिया की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तानिया रोहिला और आज खबर तहलका आपको लेकर आया है पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में। और आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ जी से और जानेंगे उनकी आगे की रणनीतियों के बारे में, कैसे क्या पार्टी तैयारियां कर रही है इस चुनाव के लिए। जैसे अभी चुनावी रण शुरू हो चुका है तो इसको लेकर आपकी अभी क्या तैयारियां चल रही हैं और डोर टू डोर सर्वे जो आप कर रहे हैं अभी, तो उसमें आपको जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हम सोच रहे थे हम प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत मेहनत लगी, लोग अपने आप हमारे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा प्रोग्राम लो, लोग अपने आप हमारे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम कैसे मदद कर सकते हैं। और ये लोगों के पापा के प्रति प्यार है इतना कि हमें नॉर्मली ऐसा होता है कि हम ढूंढते हैं कि कौन से आदमी को कितना काम दे और लोग चाहिए हमें। और अब ऐसा हो रहा है कि हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम उनको काम क्या दें। और ये तो ऐसे लग रहा है कि हमारा इलेक्शन नहीं है, पूरे पंचकुला का इलेक्शन है और सब लोग अपना अपना इलेक्शन समझ कर खुद से लड़ रहे हैं। क्योंकि मेन चीज़ इसमें यह है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। जिस हालत में पापा छोड़ के गए थे शहर को, जिस हालत में चंद्रमोहन जी छोड़ कर गए थे, उसी हालत में आज ये शहर है। तो लोगों की खुद की दिल की भावना ये है कि जैसे पहले विकास हुआ करता था, जैसे पंचकुला को स्ट्रैटेजी के साथ डेवलप किया जाता था, जैसे किसी का सपना था कि पंचकुला में एक एक आदमी को रोज़गार मिले, पंचकुला में हर घर में खुशी आए, जैसे दादाजी कहते थे कि पंचकुला पैरिस बने। इस चुनाव में जो आपने अपने एजेंडे रखे हैं, जो आपने विकास कार्य मुद्दे रखे हैं, तो वो उन मुद्दों के बारे में आपका क्या कहना है, किस तरह से विकास आप पंचकुला में और पंचकुला की जनता के लिए करना चाहते हैं? हमारा मेन क्राइटेरिया, उसमें मेन मुद्दा हमारा विकास का ही है। हम ना किसी पे कोई पर्सनल बात कहते हैं, ना हमारा किसी पार्टी से किसी आदमी से स्पेसिफिक टारगेट करने का कोई, ना दादाजी ने कभी किया, ना पापा ने कभी किया, ना मैं करता। हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पर पिछले 10 सालों से ना तो कोई नई सड़क बनी है, जो एग्जिस्टिंग है वो रीपेव हुई है, वो कभी होती है कभी नहीं होती। डंपिंग ग्राउंड का यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा है जो कोई उठाता ही नहीं। इन्हेंसमेंट जो हुडा की लैंड की होती रहती है, उसको रोकने का सरकार ने अभी तक कोई प्रक्रिया की नहीं है। डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने का कागज़ पे प्रक्रिया हुई है, असल में कुछ हुआ नहीं है। जो स्ट्रे एनिमल्स यहाँ पर घूम रहे हैं उस पर कोई आवाज़ उठाता नहीं है, सरकार कहती है यहाँ पर तो रेबीज है ही नहीं। तो इतने सारे इश्यूज़ हैं और हमें एक एक करके, और ये इश्यूज़ भी हमने लोगों से सोर्स किए, हमने लोगों से पूछा कि आप हमें लिख के दीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आप हमें मिलकर बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिल के पास हैं, चाहे वो शहर के मुद्दे हों, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे वो स्टूडेंट्स के मुद्दे हों। यहाँ पर ना कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज है, ना यहाँ पर कोई बड़ा लॉ कॉलेज है। तो ये सारे हमने इकट्ठे किए और इन्हीं के आधार पर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया कि हम अगले 5 साल में पंचकुला को कहाँ देखते हैं और क्या क्या काम हमें करने हैं पंचकुला को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और ये विजन डॉक्यूमेंट हम कल या फिर परसों रिलीज़ करेंगे और उसमें हमारा पूरा आगे का गोल रहेगा कि अगर पापा इलेक्शन जीतते हैं तो हमारा विजन ये है। विचार है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है वो टक्कर दे रहे हैं आपसे, पूरी जैसे उनकी रैलियां अभी कल से शुरू हो रही हैं, पूरी जोर शोर से सुना गया है कि उनकी रैलियां कल से बहुत जोर से शुरू हो रही हैं, तो ऐसी आपने भी कुछ प्लानिंग की है आगे के लिए या फिर अभी आप उन पर विचार ही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल तैयारियां की है। और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम एक फैमिली हैं, हमारे सपोर्टर्स भी हमारी फैमिली है और हम खुद भी फैमिली तो रही हैं और हम सब अपना अपना काम अलग अलग कर रहे हैं। मैं खुद कल MDC में जा रहा हूँ, वहाँ पर डोर टू डोर घूम रहा हूँ। मम्मी आज भी सेक्टरों में घूमी है, कल भी मार्केट में जाके डोर टू डोर घूम रही है। पापा आज बरवाला गए हुए हैं, वहाँ पर मार्केट में एक एक जाके आदमी से मिल रहे हैं। तो रैलीज तो हम भी करेंगे, आगे भी हम बड़ी रैलीज करेंगे 2-3 इसी इलेक्शन के दौरान में। और रैली ज़रूरी है क्योंकि लोगों को दिखता है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, उन तक हमारा मैसेज पहुँचता है। लेकिन पापा हमेशा से अपने निजी राजनीति करते हैं, हम तो चाहते हैं हम एक एक आदमी के पास पहुँचे और सबके पास अपना जाकर अपना मैसेज दें। और वन वे मैसेज नहीं, हम उनसे भी जानें कि आपका वोट तो हम मांग रहे हैं, साथ में आपका सुझाव भी मांग रहे हैं कि हम अपने कैंपेन को कैसे सुधारें, हम जीत के करीब कैसे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि ज्ञानचंद गुप्ता जी सर को अभी इस चुनाव में चुनौती दे रहे हैं? चुनौती तो सारे दे रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी चुनौती देते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि कोई चुनौती देगा, तभी तो हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और तभी हम
ये तो हर जो भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनौती नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास सामने अच्छे कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ ज्ञानचंद गुप्ता जी नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब काबिल लोग हैं, सब सक्षम लोग हैं, सब अच्छी चुनौती दे रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि वो दे रहे हैं, जीतेंगे। लेकिन चंद्र मोहन जी चाहूंगे सिद्धार्थ जी, जैसे हमारा यूथ अभी नशे की तरफ बढ़ रहा है तो इसके लिए भी आपने अभी कुछ सोचा है या क्या आपको करना है और इस इलेक्शन के बाद कैसे कुछ आप उनके लिए करने वाले हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये प्रश्न पूछा मेरे से, क्योंकि ये मुद्दा हम कई काफ़ी टाइम से इसको मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार की तरफ से ऑफिशियल जवाब ये है कि यहाँ पर तो नशा है ही नहीं। तो अगर उनको लगता है नशा है ही नहीं तो फिर वो तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम, क्या तो पॉलिसी क्यों निकालेंगे नहीं अगर ये उनको लगता है ये इशू ही नहीं है। हमने इसके लिए दो चीज़ें टारगेट की है, क्योंकि अगर आप बोल दो कि नशा बैन कर दो वो तो आज भी बैन है लेकिन उससे कुछ रुकेगा नहीं। तो एक तो ये है कि हम युवाओं को सबसे पहले ज़रूरी है कि रोज़गार दें, अगर युवाओं के पास रोज़गार है उनका दिमाग वहाँ पर लगेगा तो अपने आप वो नशे से दूर रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरे पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में खेलने की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं, शहर में फिर भी थोड़ी बहुत हैं, अगर आप गाँव में जाओगे तो कभी किसी के खेत में खेल रहे हैं कभी किसी और के खेत में खेल रहे हैं, ना कोई ग्राउंड है ना कोई स्टेडियम है ना कोई कोचेज हैं और ना कोई यहाँ से सिलेक्ट होकर जाता। हरियाणा में इतने लोग हैं जो लोग ओलंपिक्स तक पहुँचते हैं, ज़्यादातर जो इंडिया की टीम ओलंपिक्स पहुँचती है हरियाणा के लोग हैं, तो पंचकूला से क्यों नहीं जाते? हरियाणा में अभी सरकार कहती है कि हमने 70,000 नौकरियाँ निकाली है तो पंचकूला से क्यों नहीं लग रही? ऐसा भी नहीं है कि पंचकूला के लोग खेल कूद में ठीक नहीं है, इशू ये है कि हम उनको आगे तक पहुँचा नहीं पा रहे। तो ये हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी डाला है कि हम हर गाँव में खेलने का फैसिलिटी बनाएंगे, हर गांव में हम कोचेज भी देंगे, हर जगह हम जिम भी बनाएंगे, ताकि जो युवा लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के उनका ध्यान खेल कूद में जाए, अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने में जाए और रोज़गार की तरफ जाए, नशे की तरफ ना जाए। अभी हाल ही में पंचकूला में देखा गया था कि कुछ समय पहले जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको सेफ यहाँ पर नहीं बोला जाता कि वो सेफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्हीं की बेटी के साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है कि पंचकूला जैसे शहर में उनके साथ ये दुर्घटना हुई, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? पंचकूला में और पूरे हरियाणा में इनफैक्ट बहुत दुख की बात है कि जो ये सरकार है मौजूदा सरकार उनको सिर्फ अमीर लोग देखते हैं, उनकी सारी नीतियाँ उनकी सारी पॉलिसीज सिर्फ अमीर लोग के लिए बनाई जाती है। और आपको अमीर लोगों के लिए पॉलिसी बनानी है बहुत अच्छी बात है बनाइए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गरीब लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। पंचकूला में भी चाहे वो राजीव कॉलोनी है इंदिरा कॉलोनी है कितने आशियाने हैं और झुग्गी झोंपड़ियों की बहुत सारे इलाके हैं, दो बार वो खुद बुलडोजर के सामने खड़े हुए हैं कि इनकी बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तक आ गया था, कहते मैं बिल्डिंग इनकी गिरने नहीं दूंगा चाहे जो मर्जी कोर्ट कुछ भी ऑर्डर दे दे। तो ये तो उनका दिल से लगा हुआ है, हर होली में वो जाते हैं वहाँ पर उनके साथ खेल कर आते हैं, हर त्यौहार उनके साथ मनाते हैं, क्योंकि उनके आईज में सब कुछ सब लोग बराबर है, चाहे आपके पास 1,000 करोड़ रुपए हैं चाहे आपके पास 10 रुपए हैं, एक ही बात है। और कानून के हिसाब से भी ये होना चाहिए, सरकार के हिसाब से भी ये होना चाहिए, ऑपोजिट उसका ये हो रहा है कि आपके पास जितने पैसे उतने आपकी वैल्यू की जा रही है। और सेफ्टी की भी बात है, सेफ्टी तो इशू है ही है, उसके साथ साथ काफ़ी ऐसी कॉलोनी है जिनको अभी तक ऑफिशियल नहीं किया गया, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इतने सालों से पंचकूला में रह रहे हैं उनका ना तो कोई राशन कार्ड बनाया गया है, ना वो बिजली का कनेक्शन ले पाते हैं, ना वो कह पाते हैं कि हम पंचकूला के निवासी भी, और इन लोगों का वोट भी नहीं बना हुआ है काफ़ी लोगों का, और सरकार के मन में क्या है कि वोट तो बना नहीं फिर हमने क्या करना है, लेकिन पापा का ऐसा ख्याल नहीं है। और अगले 5 साल में हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं सब बराबरी के रह रहे हैं, सब बराबरी के सबको हक मिले, सबकी सिक्योरिटी बराबरी की हो, सबके जॉब की अपॉर्चुनिटी बराबरी की हो और सबका विकास भी बराबरी हो। तबके के बच्चों के लिए आप अभी क्या करने वाले? हमने हर वर्ग की पॉलिसीज बनाई है, किसानों के लिए भी, जो लो इनकम है उनके लिए भी, पापा ने जो कॉलोनी ड्वेलर्स हैं उन सभी को परमानेंट गवर्नमेंट अकोमोडेशन देने का वादा किया है विजन डॉक्यूमेंट में जो भी रिलीज होगा, और इसके अलावा भी स्पेसिफिकली पॉवर्टी रिडक्शन के लिए और स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए रोजगार के लिए अलग से नीतियाँ बनाई है और अलग से बजट बनाने का भी प्रपोजल डाला है, और ये सारा हम अपने विजन डॉक्यूमेंट में घोषित करेंगे। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।